देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। छत्तीसगढ़ में देर से ही सही, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री और उनके साथ दो मंत्रियों ने 17 दिसंबर को शपथ ली थी, जबकि शेष 9 मंत्रियों ने 25 दिसंबर को शपथ ग्रहण की। इसके बाद लगातार विभागों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा था। गुरुवार को लगभग 3 घंटे की माथापच्ची के बाद विभागों का बंटवारा किया गया। हालांकि वरिष्ठ मंत्री TS सिंहदेव को उस समय निराशा हाथ लगी जब वित्त विभाग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी झोली में डाल लिए। बघेल सरकार ने नया रायपुर में मंत्रियों और अफसरों के बंगलों का निर्माण साल भर में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पता चला है कि वित्त विभाग में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजभवन और CM हाउस समेत सभी निर्माण कार्य साल भर में पूरे किए जाएंगे। इसमें मंत्री अफसरों के बंगले भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान के कर्ज माफी के जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की बात बघेल सरकार ने पूरी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को राज्य के कई किसानों के बैंक खातों में कर्ज माफी का पैसा क्रेडिट हुआ। कई जिलों में किसानों के खाते में पैसा क्रेडिट होने के बाद उनके मोबाइल पर संदेश आया तो इस बात का खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बुधवार की सुबह से लेकर देर रात तक हाथियों को हेलीपैड स्थित नर्सरियों से बाहर निकाला गया। कोरबा कलेक्टर मोहम्मद केसर अब्दुल हक, SP मयंक श्रीवास्तव और DFO ने खुद ऑपरेशन एलिफेंट की कमान अपने हाथों में लेकर भीड़ को हाथियों से दूर रखा। इसके लिए क्षेत्र में धारा 140 लगाई गई। दोनों तरफ से सड़क बंद कर शाम को हाथियों को खदेड़ा गया, जो देर रात जंगल की तरफ चले गए। प्रदेश में 1 जुलाई 2019 से चिपयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस और RC बुक अमान्य हो जाएगी। इसकी जगह QR कोड के लेंस ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाएंगे। नए लाइसेंस में प्रदूषण के स्तर और बीमा समेत सभी जानकारी फीड रहेगी। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।